हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों का लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में बरोदा हलके के कथुरा गांव में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने तीनों अध्यादेशों की कॉपियों को भी आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार तीनों अध्यादेशों को वापस नहीं लेती तो वो अपने आंदोलन को तीव्र कर देंगे। किसानों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र के पीपली में किसान बचाओ मंडी बचाओ महारैली करने का फैसला किया। विरोध कर रहे किसानों ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश लेकर आ रही है, जिससे किसानों के साथ साथ आढ़तियों को भी भारी नुकसान होगा। जो 3 अध्यादेश लेकर आया है वो किसानों को मारने जा रहे हैं। अगर ये 3 अध्यादेश लागू हो गए तो किसान और मजदूर व्यापारी तीनों बर्बाद हो जाएंगे। तो हमारी सरकार से ये मांग है ये 3 अध्यादेश कैंसिल किए जाए और किसानों को बचाया जाए। देखिए, जो अभी 3 अध्यादेशों की कॉपी जलाई गई है वो इसलिए जलाई गई है कि पूरे किसान के, पूरे आढ़ती के, पूरे मजदूर के और आम जनमानस के ये खिलाफ है। इसलिए रोज 100 रूप प्रतियां जलाई गई है। अगर ये अध्यादेश लागू हो गए तो इस देश की मंडियां समाप्त हो जाएंगी, MSP समाप्त हो जाएगा